हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज से फिफ्थ ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो रहा है एंड वी आर डन विद फोर ट्राइमेस्टर। एंड अभी लास्ट वीक एग्ज़ाम खत्म हुई, एक वीक का अच्छा गैप मिल गया। तो फिफ्थ ट्राइमेस्टर भाई चिल होने वाला है, फिफ्थ सिक्स तो और चिल हो जाएगा। सो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे सब्जेक्ट्स डिवाइड होते हैं इलेक्टिव्स में एंड हाउ प्लेसमेंट्स और इलेक्टिव्स के कारण और हेक्टिक लगता है। सो फोर्थ फिफ्थ सिक्स ट्राइमेस्टर में इलेक्टिव्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं सारे तुम्हारे फ्रेंड्स सब, कोई यहाँ पढ़ रहा है, कोई वहाँ पढ़ रहा है, एक एक लेक्चर के लिए कॉलेज आ रहा है, बाकी टाइम प्रोसेसेस चलती रहती है। मतलब आपका सुबह एक लेक्चर है, दिन भर प्लेसमेंट प्रोसेसेस हैं, कुछ वर्चुअल है, कुछ फिजिकल होने लग गई है। अब तो सिस्टर कैंपसेस पे जाके लोग प्लेसमेंट प्रोसेसेस में बैठ रहे हैं। सो फोर्थ ट्राइमेस्टर के पहले मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में आप लोग स्पेशलाइजेशन तो चॉइस कर लेते हैं हमारे, देन यू गेट टू सिलेक्ट कि आपको किस स्पेशलाइजेशन में प्लेसमेंट चाहिए। सो फॉर मी जैसे ऑपरेशंस में स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो मैं ऑपरेशंस के तीन सब्जेक्ट फोर्थ ट्राइमेस्टर में पढ़ूंगा, एक फिफ्थ में और एक सब्जेक्ट सिक्स्थ में। एंड मार्केटिंग चूँकि मेरा डुअल स्पेशलाइजेशन है बट प्लेसमेंट में ऑपरेशंस में लूँगा, तो मैं दो सब्जेक्ट मार्केटिंग के फोर्थ में पढ़ूंगा, दो फिफ्थ में और एक पढ़ूंगा मैं सिक्स्थ में, ताकि यू गेट टू प्रिपेयर बेटर ऑन ऑपरेशंस और साथ में प्लेसमेंट प्रोसेसेस चलती रहे। सो वी हैव आवर फ्रेंड दी आशी चोपड़ा, वन एंड ओनली द प्लेस्ड, उसका क्रेडिट थोड़ा सा मैं लेता हूं, प्लेस्ड पार्टनर, राइट? यस। और आपने लास्ट ब्लॉग में सुना भी होगा, हम लास्ट में एसआईपी लिए तो हम फर्स्ट प्लेस। हाँ, हमको इतनी खुशी, हम मतलब लास्ट के 10 लोगों में तुमने तो एसआईपी ले ली थी, हम तो फिर भी नहीं पे, लास्ट के 10 में थी। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कॉलेज, और हम शुरू के 10 में प्लेस प्लेस्ड भी हो गए भाई, खुश 10 में तो नहीं था मैं। हाँ, मान लिया, चलो मान लिया। अरे सब सब बोल के और इनको क्या पता, पर ये हम गाड़ी पे थे। इसकी बड़ी पार्टी अभी वीडियो है, मैंने भी किसी को पार्टी नहीं दी है, तो जिसको पार्टी लेना देना करना हो वो भाड़ में जाओ। ओके, बाकी तो हमारी बहुत बहुत, बस हम चाह रहे हैं जल्दी से ज्वाइनिंग आ जाए। हाँ, ज्वाइनिंग तो सारा पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, बस बस पता नहीं, इतना अंतर पता नहीं पड़ रहा है कि हाँ हो गए। प्लेसमेंट, ऑफर लेटर और पैसा, बस तीन चीजें। बाकी अभी खुशी भी है, अभी देख रहे हैं कि लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं प्लेसमेंट। तुम तो जा रहे हो हमारी तो आखिरी क्लास। हाँ, मेरा तो एक लेक्चर, नाउ आई विल बी लीविंग द कैंपस फॉर टुडे ओनली, पर ये है जिनके आखिरी तक की क्लासेस है ये है। है ये जलवा, है ये जलवा। मतलब फेकनेस की एक हद होती है गाइस, मैं इतनी प्यारी आई है। ये लड़की बहुत फेक व्लॉग बनाने का ट्राई कर रही थी कि एक स्क्रिप्टेड व्लॉग आ रहा था, पर हमने इसके सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। क्यों, आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे तो यार कैमरा नहीं है, आईना नहीं है, वो ये कैमरा देखता से ये भी कर लूं ने वो भी कर लूं। हाय गाइस, सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई फेल इन लव। ओह माय गॉड, अगर किसी ने दुआ लिपा का सॉन्ग सुना हो, सो दैट्स द गाइस, शी इज वेरी मच डिप्रेस्ड एंड अपसेट। उसके थोड़ी देर पहले उसके सिर पे एक ईंट गिरी थी, वो थोड़ा अभी बिगड़ा हुआ है। तो गाइस द थिंग इज लाइफ इज प्रीटी हार्ड, तो ये मिलो झाड़ू और डस्टर से। हम सोच रहे थे झलक से बात करें, पर कुछ हेलो हाँ, इधर बात कर, वर्थ लग रहा है। हाँ, वर्थ लग रहा है हमको थोड़ा इधर बात करना। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू रोचन्स यूट्यूब चैनल। सो आई नो इट्स बीन रियली लॉन्ग सिंस आई डिड अ वीडियो फॉर हिज चैनल एंड आई डोंट नो व्हाट वाज स्टॉपिंग मी, मे बी इट्स जस्ट द प्लेसमेंट फीवर दैट हैज़ बीन गोइंग अराउंड। सो रोचन का तो प्लेसमेंट हो गया है एंड ओके, जस्ट सी हिम डांसिंग। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? एंड वी हैव दिस ब्यूटी, यस, निकॉन 7500D, दिस अमेजिंग 85,000 बक्स। या,
इतना प्यारा है. दिस इज माय चॉइस फॉर एमआरसी. या एमआरसी. एंड यू गेव द कोटेशन आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स? 1 मंथ. ओ माय गॉड. 1 मंथ ऑफ रिसर्च एंड आई गॉट दिस रिसर्च. नो आई डिड 1 मंथ ऑफ अरिंदम सर की बहुत सारी डाउट. यस यस दैट इज ट्रू. 2 months he took for research and 1 month it took for Arindam. So drafting a quotation. So this is the current scenario of college. बहुत बिजी, बहुत फ्री. कभी लगता है और क्या हेक्टिक शेड्यूल है, कभी लगता है कि बहुत फ्री चल रहा है. प्रोसेसेस आ जाती हैं तो टेंशन हो जाता है. प्रोसेसेस हैं वर्चुअली सेम टाइम पे प्रोसेस चल रही है. लोग लखनऊ जा रहे हैं इस वीक प्रोसेस के लिए, नोएडा गए थे, जयपुर कैंपसेस में भी होते हैं. चल रहा है अभी प्लेसमेंट्स अलॉन्ग विद द स्पेशलाइजेशन के इलेक्टिव जो भी सब्जेक्ट लिए हैं सबका क्लासेस चल रही हैं. लेट्स गेट बैक टू होम. सो दिस इज ऑल द थिंग्स आर गोइंग ऑन एज आई सेड. और काफ़ी लोग मुझसे स्कॉलरशिप या एवरेज पैकेजेस का बात कर रहे थे. तो फॉर एवरेज पैकेज एग्जैक्ट फिगर्स यू कैन गेट ऑन द कॉलेज वेबसाइट. वहाँ तुमको लास्ट ईयर की रिपोर्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगी. एंड अबाउट स्कॉलरशिप, तो डिफरेंट एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, एटमा, सी मैट, ऑब्वियसली कैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. सो जिनके स्कोर्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है, इस टॉपिक पे मैंने वैसे ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, बट फिर से कुछ बता देता हूँ रिपीट करते हुए कि स्कोर कार्ड शो करना रहता है तुम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के टाइम. तो एडमिशन के टाइम तुम जिस एग्जाम के थ्रू अप्लाई करते थे लास्ट, क्योंकि किस एग्जाम के थ्रू अप्लाई करना है तो उसका स्कोर कार्ड लगाओगे और उस आपके स्कोर के अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. ना वो स्कॉलरशिप दो हिस्सों में आती है. एक तो तुम लोगों को फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिल जाएगी, बट सेकेंड जैसे फॉर एग्जाम्पल यूर आई गॉट 2 lakhs ऑफ स्कॉलरशिप. तो वो फर्स्ट लैक था वो मुझे फर्स्ट ईयर में मिल चुका था, बट सेकेंड हाफ के लिए दैट इज फॉर द 50% ऑफ द स्कॉलरशिप यू नीड टू मेंटेन 6.5 CGPA थ्रू आउट 3 trimester और 4 trimester के मिड में आपको सेकेंड हाफ मिल जाता है. सो दैट इज बेसिक ऑफ स्कॉलरशिप. आपके डायरेक्ट अकाउंट में आती है. यू नीड टू हैव अकाउंट ऑन योर नेम. सो बेनिफिशियरी आपके मम्मी या पापा के नेम पे अगर अकाउंट होगा तो नहीं चलेगा, आई गेस. तो जितना मुझे पता है. सो दैट इज द थिंग अबाउट स्कॉलरशिप. So that's all from this vlog, guys. I hope you enjoyed this vlog. Please like this video, drop a comment, share this video with your friends and family, and subscribe to the channel. Thanks for watching, guys.